चलिए अभी प्रायोरिटी रूल्स अपन देखें या सीक्वेंस रूल्स, या इन्हीं को क्या बोला जाता है, दैट इज सीआईपी रूल्स, है ना। सीआईपी रूल्स जो होते हैं क्या रहेगा, दैट इज कान एनगोल्ड प्रेलॉग्स रूल, है ना। इनको अपन यूज करते हैं किसके लिए, दैट इज फॉर असाइनिंग कॉन्फिगरेशन, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है तो उसमें जैसे हम ई एंड जेड कॉन्फिगरेशन असाइन करते हैं, या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अभी अपने को सीखना दैट इज आर एंड एस कॉन्फिगरेशन का असाइनमेंट, ठीक है। तो आर एस कॉन्फिगरेशन या ई जेड कॉन्फिगरेशन, इसका जो बेस होता है वो बेस क्या होता है, दैट इज सी आई पी रूल, है ना। दैट इज कान एनगोल्ड एंड प्रेलॉग्स रूल फॉर नॉमेनक्लेचर, इन्हीं को सीक्वेंस रूल्स या प्रायोरिटी रूल्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये वाले जो रूल्स होते हैं इनका जो एप्लीकेशन होता है ये इसी सीक्वेंस में किया जाता है जिस सीक्वेंस में इनको हम लिखने वाले हैं, समझ आ रही बात ये। तो अभी फर्स्ट वाले फेज में शुरू में तीन रूल्स देख रहे हैं, इसके बाद फिर अपन और देखेंगे, है ना। एग्जाम्पल्स लिखने के लिए जगह छोड़ी अपन ने, है ना। तो इसमें सबसे पहली चीज स्टीरो सेंटर क्या होता है तो अपने को क्लियर है ना। तो क्या बोला था अपन ने, एक ऐसा वाला एटम जिस पर यदि हम क्या करते हैं, जो लगे हुए दो एटम्स या ग्रुप्स हैं उनकी स्पेस लोकेशन को इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, तो हम बोलते हैं वो चेंज हो जाता है अपने स्टीरो आइसोमर में। तो स्टीरो सेंटर कौन सा कार्बन होता है, तो हम बोलेंगे जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है वो वाला कार्बन, या फिर कौन सा रहेगा डाय कायरल कार्बन, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी चीज अपन देखेंगे यहाँ, तो बोलेंगे जो स्टीरो सेंटर है ना, अभी इसकी हम बात करते हैं कायरल सेंटर की, जहां पर कार्बन पर क्या रहने वाली है, चार अलग अलग वैलेंसीज पर चार अलग अलग ग्रुप्स रहने वाले हैं, इनको अपने को प्रायोरिटीज असाइन करनी है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अ स्टीरियो सेंटर। तो इसमें हम कौन सी चीज बोलते हैं कि स्टीरियो सेंटर से जो एटम या ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब जैसे कोई ग्रुप है तो एटम्स का ग्रुप है, तो वो जिस एटम से स्टीरियो सेंटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है क्या किया जाता है, सबसे पहले उसके एटॉमिक नंबर को देखा जाता है, समझ आ गई बात ये, है ना। तो हम बोलेंगे सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो पहली चीज कौन सी रहेगी, तो हम बोलेंगे स्टीरियो सेंटर से जो एटम या ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो जिस एटम से कनेक्टेड है क्या देखा जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर देखा जाता है ना। अब इसके एटॉमिक नंबर में कौन सी चीज अपन बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इसके एटॉमिक नंबर में यदि हमको क्या देखने को मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे इसमें जो लीस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम या ग्रुप होता है ना डायरेक्टली कनेक्टेड वाला, तो हम उसको बोलते हैं उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है, ठीक है। तो जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होता है क्या रहेगा, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी, समझ आ गई बात ही ना। तो पहला रूल क्या बोलता है कि स्टीरो सेंटर, ये जो कार्बन सेंटर है, यदि अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो हम बोलेंगे इससे जो भी एटम डायरेक्टली कनेक्टेड था क्या करते हैं, अपन उसका एटॉमिक नंबर देखते हैं, ठीक है। तो जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होता है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट हो जाती है, उसको अपन बोलेंगे दैट इज वन, ठीक है। फिर यहाँ चार ग्रुप्स हैं तो फिर जिसका एटॉमिक नंबर सेकेंड नंबर पर होगा उसकी प्रायोरिटी हो जाएगी टू, जिसका थर्ड पर होगा उसकी प्रायोरिटी थ्री, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है वो बन जाता है द ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी, जो कायरल कार्बन के केस में क्या रहता है, दैट इज प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप नंबर फोर, समझ आ गई बात ये, है ना। तो जैसे यहाँ देखें हम, तो इसमें फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो ये वन हो जाएगा, उसके बाद नाइट्रोजन है तो टू हो जाएगा, उसके बाद कार्बन है तो थ्री हो जाएगा, और इधर ये हाइड्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ग्रुप ऑफ प्रायोरिटी फोर या द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, आया क्या समझ में, है ना। तो कौन सी चीज बोली हमने यहाँ पर, दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना, कि स्टीरियो सेंटर से लगे हुए एटम्स या ग्रुप्स जो हैं उनमें क्या देखा हमने, जिस एटम के थ्रू वो स्टीरियो सेंटर से कनेक्टेड थे उनका एटॉमिक नंबर देखा, है ना। तो क्या हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होता है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट हो जाती है, दैट इज वन, और इसी सीक्वेंस में चलते चलते जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है उसकी प्रायोरिटी हो जाती है फोर, क्लियर है ये, है ना। अब इसके बाद दूसरा रूल जो होता है वो कौन सा, तो हम बोलेंगे यहाँ स्टीरो सेंटर पर यदि कौन सी वाली चीज है, हम बोलेंगे स्टीरो सेंटर पर यदि क्या लगा हुआ है, एक ही आइसोटोप के दो अलग अलग एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो तब उस केस में हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम तब बोलेंगे यहाँ पर कि जो आइसोटोप हायर मास नंबर वाला होता है उसकी प्रायोरिटी हायर होती है ना। इनको क्या माना जाता है, एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग आइसोटोप्स को दो अलग अलग ग्रुप्स माना जाता है, ठीक है। तो कौन सी चीज बोली हमने, जिसका मास नंबर हायर रहेगा उसकी प्रायोरिटी हायर होती है, क्लियर बात ये, है ना। तो कौन सी चीजें यहाँ पर, तो
क्लोरीन की फिर से वन हो जाएगी, कार्बन की हो जाएगी टू। अब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में, ड्यूटेरियम क्या, दैट इज हायर मास नंबर वाला आइसोटोप, तो उसकी प्रायोरिटी हायर रहेगी, और हाइड्रोजन जिसकी प्रायोरिटी हो जाती है लोअर। समझ आ गई बात, ये है ना। तो कौन सी चीज बोली हमने कि स्टीरो सेंटर से कनेक्टेड जो आइटम्स हैं इनके से भी वो क्या हो जाए, तो हम बोलेंगे दो अलग अलग आइसोटोप्स हो जाए एक ही एलिमेंट के, तो जिस आइसोटोप का मास नंबर ज्यादा होता है उसकी प्रायोरिटी हायर हो जाती है। क्लियर हो गई बात ये, है ना। अब इसके बाद फिर रूल नंबर थ्री जो होता है ना वो क्या रहेगा, हम बोलेंगे रूल नंबर थ्री ये रहेगा कि यदि अलग अलग ग्रुप्स हैं, है ना, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट था, लेकिन स्टीरियो सेंटर से ये सेम एटम से कनेक्टेड थे। समझ आ गई ना बात ये, है ना। स्टीरियो सेंटर से क्या थे, तो हमने बोला सेम एटम से कनेक्टेड थे, तो इस केस में क्या होगा, तो हम बोलेंगे अब रूल नंबर वन को हम एक्सटेंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि दूसरे जो एडजेसेंट एटम्स हैं हम उनके एटॉमिक नंबर देखना चालू करते हैं, है ना। जहां तक मैचिंग चलती जाती है वहां तक ठीक है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट, है ना। अभी एग्जांपल में देखेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर क्या हो जाएगा, जिसमें हायर एटॉमिक नंबर वाला एटम आ जाता है उस ग्रुप की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, हायर हो जाती है। समझ आती बात ये, है ना। क्या बोला हमने कि इन केस यदि स्टीरियो सेंटर से जो दो अलग अलग ग्रुप्स कनेक्टेड थे उनमें जो पहला एटम है जो स्टीरियो सेंटर से कनेक्टेड था, है ना, इन केस यदि क्या हो जाएगा, वो सेम होगा, तो हम बोलेंगे तब फिर रूल नंबर वन एप्लीकेबल नहीं होता। तो तब क्या करते हैं हम, तो हम बोलेंगे तब हम कौन सी चीज करते हैं, तो हम बोलेंगे अब एडजेसेंट एटम्स जो होते हैं उनके एटॉमिक नंबर्स को दोनों ग्रुप्स में मैच करना चालू करते हैं। तो जहां तक सेम आ जाएगा वहां तक ठीक है, जैसे ही पहली बार डिफरेंस आता है, ठीक है, तो पहली बार के डिफरेंस में क्या होगा, जिसके ऊपर हायर एटॉमिक नंबर वाला एटम आएगा वो ग्रुप क्या बन जाता है, द ग्रुप ऑफ हायर प्रायोरिटी। आ गई ना बात समझ में, है ना। अब एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, दिस इज दैट मिथाइल, और यहाँ क्या लगा है, दिस इज इथाइल, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, क्लोरीन की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, हाइड्रोजन की लीस्ट है। अब इन दोनों में हमको टू और थ्री डिसाइड करना था, तो जैसे दोनों क्या है, इसका भी इथाइल ग्रुप भी कार्बन से कनेक्टेड है बाय कार्बन, एंड मिथाइल ग्रुप भी काइरल कार्बन से कनेक्टेड है बाय कार्बन, तो फर्स्ट वाला एटम सेम हो गया। तो अब इसमें देखा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें भी क्या था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ तक तो सेम है। अब इसमें यहाँ हाइड्रोजन है लेकिन इसमें इसकी थर्ड वैलेंसी पर क्या है, दैट इज कार्बन, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि रूल नंबर वन का एक्सटेंशन है कि हम क्या करते हैं, एडजेसेंट एटम्स के एटॉमिक नंबर मैच करते हैं, कब तक, जब तक कि डिफरेंस वाला एटम ना आ जाए, और इस डिफरेंस पर जहां कौन सी चीज होगी, तो बोलेंगे इस डिफरेंस पर जहां क्या हो जाता है, एटम ऑफ हायर एटॉमिक नंबर आ जाता है, वहां पर हम क्या बोलेंगे, वो ग्रुप बन जाएगा हायर प्रायोरिटी वाला, ठीक है। तो ये क्या था, दिस वॉज वन, ये था फोर, दिस वॉज फोर, अब ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स टू एंड दिस बिकम्स थ्री। समझ आ गई बात ये, है ना। तो अब ये सिंपल एग्जांपल है ना, किसी को एक्सटेंड करते हैं इधर, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन ही लिया हमने फिर से। अब कौन सी चीज है यहाँ पर, सी एच टू, ये सी एच टू, इस पर सी एल लगाया, और यहाँ सी एच टू और जैसे एच लगा दिया, ठीक है। अब क्या यहाँ पर फिर से वही रूल नंबर टू देखना है, इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट हो गई ना। क्या बोला था मैंने, रूल्स को अपने को सीक्वेंस में ही अप्लाई करना होता है, ठीक है। अब रूल्स को सीक्वेंस में अप्लाई करना है, इसका मतलब क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर पहला रूल न लगे तो दूसरा, दूसरा न लगे तो ही तीसरा लगाना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले रूल के हिसाब से क्लोरीन वन हो गया, हाइड्रोजन फोर हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ पर फर्स्ट वाला एटम कार्बन, इसमें भी फर्स्ट वाला एटम कार्बन, फिर इस पर दो हाइड्रोजन, इस पर भी दो हाइड्रोजन मैच किया। अब इस पर क्या है, थर्ड वैलेंसी पर कार्बन है, बट इसमें थर्ड वैलेंसी पर क्या है, दैट इज क्लोरीन। तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। अब इसमें आगे क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो चाहे आयोडीन हो चाहे कोई सा भी एटम हो दुनिया का, उससे कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से थर्ड वैलेंसी पर आ गया कि इसमें थर्ड वैलेंसी पर कार्बन था और इसमें थर्ड वैलेंसी पर क्लोरीन था। तो अब क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स द ग्रुप ऑफ हायर प्रायोरिटी, भले इसमें क्या लगाओ आगे, भले इसमें आगे कौन लगा, दैट इज क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर क्लोरीन से ज्यादा है।
समझ आ रही है बातें, बट उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हमको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ ही मिल गया था, दैट इज एट थर्ड एटम ओनली। समझ आ गई बात, ये क्या बन जाएगा द ग्रुप ऑफ हायर प्रायोरिटी और ये बन जाएगा द ग्रुप ऑफ लोअर प्रायोरिटी। आगे की बात समझ में है, सो दीज आर क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इसके आगे और रूल्स हैं वो हम देखते हैं। ये क्लियर हो गया अच्छे से,